नमस्कार, आप देखिए हुडलिंग गांव में एप्पल फ्लावरिंग सीजन पूरे चाम पर है आजकल। आज मैं आप लोगों को पूरे अपने यहां का नज़ारा दिखाऊंगा। इस बार फूल काफ़ी अच्छा है। आज 22 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए फ्लावरिंग पूरे अपने चाम पर है। ये चंडीगढ़ गांव, 20-30 घर होंगे इसके ऊपर। तो ये है पूरा हुडलिंग गांव का नज़ारा, हिमाचल प्रदेश में। अब आप देखिए, ये देखिए पूरे फ्लावरिंग इस बार काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। पूरे गांव में एप्पल फ्लावरिंग, ये लेप लगाया हुआ है ताकि इसमें कीड़े ना पड़े हैं, पौधों के प्रोटेक्शन के लिए। इस पेड़ को अभी काट कर नए कलम लगाया गया है दूसरे वैरायटी का। और ये देखिए जिस तरह से फूल अभी अपने पूरे पीक में है, इसीलिए फूलों की सेटिंग के लिए यहाँ पर मधुमक्खी भी मंगाया गया है। तो अभी देखिए मधुमक्खी अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल चुके हैं और ये शाम को वापस आ जाएंगे। फूलों की सेटिंग के लिए मधुमक्खी का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पेड़ को फल जो है आपका मजबूती से पकड़े। ये पोलनाइजेशन के लिए होता है इसका। और ये देखिए पूरा चंडीगढ़ गांव का नज़ारा। इससे आगे ये है जी फ्लावरिंग पूरे अपने चाम पर है। ये है स्पीति नदी जो कुंदम दर्रे से निकलती है। पूरे स्पीति नदी देखिए, ये जो खाप की ट्रिब्यूटरी है, सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी, जो खाप संगम में इनका मिलन होगा तो इसे सतलुज के नाम से जाना जाएगा। अभी ये स्पीति नदी है जो कि कुंदम दर्रा से निकलती है। ये देखिए जी फ्लावरिंग सीजन पूरे अपने चाम पर। बगीचे का आप आनंद लीजिए। पूरा बगीचा सेब का है ये,
और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये हैं जी आपका खुमानी एप्रिकॉट्स, जो कि अभी इनका फूल का सीज़न तो हो चुका है, अब इसमें दाने लग गए हैं। देखिए ये मंथ ऑफ जून में जुलाई तक ये तैयार हो जाएगा पूरा खाने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। और इन सेब के फूल भी लगभग आपका 8-10 दिन तक और रहेंगे ऐसे ही। ये है जी बादाम का, ये बादाम का है जी, और ये देखिए अब हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं। देखिए ऊपर गांव से अब हुल्डिंग की ओर जा रहे हैं, पूरा नज़ारा देखिए। चट्टानों को काट कर बनाया गया है जी, दिन के रखे हैं तूने कदम, मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ये पहुंच चुके हैं जी हम अपने घर, देखिए अभी ये आदमी की गाड़ी काफ़ी जा रही है, और ये देखिए इस तरह का नज़ारा मेरे घर से बनता है। नमस्कार, धन्यवाद।